ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त है, यार क्या हो रहा है, पानी हो रहा है। हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आज हम जा रहे हैं नथिया गली। जी हाँ, नथिया गली जा रहे हैं और बाइक्स पे जा रहे हैं। अभी दोस्त आ रहे हैं, वो हवेलिया की तरफ से आ रहे हैं, मैं यहाँ इब्तबाद में हूँ, तो अब वो ज्वाइन करेंगे और फिर जाएंगे हवेलिया की तरफ और होगा एक एडवेंचर टूर या ट्रिप के। हेलो, तो मिलते हैं फिर उनके साथ ही। पिछले व्लॉग में हमने देखा था कि वो घड़ी टूट गई थी, तो फिर से रिस्टोर कर दी। यार हम बचती लोग हैं, 20 रुपये लगी और घड़ी ठीक। तो अब चलते हैं, वो दोस्त भी पहुंच गए हैं, तो जल्दी से जाते हैं और ज्वाइन करते हैं उनको और फिर जाते हैं अपने ट्रिप पे। दोस्तों का वेट ही हो रहा है, अभी मैं बैठ गया उनके इंतज़ार के लिए, वो आएंगे। और यार वेदर आप चेक करो, बहुत सख्त गर्मी थी। तबाद में तो खैर मौसम अच्छा था, लेकिन गर्मी बाकी इलाकों में बहुत पीक भी थी। और अभी बादल आ गए हैं, शायद बारिश भी हो जाए रास्ते में। और एक स्टोरी बताऊं, पिछली बार मैं इन दोस्तों के साथ अम्ब्रेला वाटरफॉल गया था, तब भी वापसी में बारिश हुई थी और मोटरसाइकिल पर थे और ओले बरसे थे और हम मोटरसाइकिल पर थे। तो फिर से मुझे लग रहा है कि शायद वो चीज़ रिपीट हो जाए। तो देखते हैं यार वेदर। देखो मैं आपको एक लेंस दिखाता हूँ, अब देखो इब्तबाद की वेदर देखो क्या कमाल का वेदर है। ये पहुंच चुके हैं और ये 11 बजे आने वाला था, अभी बज रहे 3:15, ये 11 बजे आने वाला था और फिर से ये 2 बजे आने वाला था, लेकिन फिर भी 3:15 हो गए हैं। निकल पड़े हैं अपने मंजिल मकसूद की तरफ से। और पिछली वीडियो आपने देखी है, वो सोलो ट्रैवलिंग थी, किस तरह में मुरझाए से नजर आ रहा था, लेकिन अब दोस्त है तो आप फुल एंजॉय है, फुल एंजॉय वाला सीन है। जमील भाई, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट सोलो ट्रैवलिंग एंड ग्रुप ट्रैवलिंग? नाउ वी आर गोइंग टू कल्याण, वी आर एंजॉय अ लॉट ऑफ वेदर एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स। This is the starting point of our बस बस इतना इंग्लिश काफी था। और इंग्लिश ना बोलो और ना खत्म हो जाएगा फिर से। ठीक है, किधर जब किधर भी इसका ना जाती। अरनोई बाजार पहुंच चुके हैं और आपको एक और सी वीडियो इस वीडियो में एक और इंफॉर्मेशन भी दे दूं, अगर आप यहां पर स्टे करना चाहते हो फैमिली के साथ वगैरह, तो ये एक अच्छा सा स्पॉट है, आपको दिखाते हैं। ठीक है, और दोस्तों ने भी ज्वाइन कर लिया है, अब बस पूरे हो गए हैं और जाएंगे अब डायरेक्ट, क्योंकि ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, 4 बज रहे अभी, और हम अरनोई से भी थोड़े से आगे आ चुके हैं, लेकिन रास्ता अभी भी बाकी है, तो अब जाते हैं। 22 किलोमीटर भाई बाकी है, 22 किलोमीटर, तो अभी टाइम ज़ाया नहीं करते और जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। और हम अपनी रवायत पर करार रखते हुए गाना गाएंगे, टपे गाएंगे, अपनी कल्चर को प्रमोट करेंगे, अपने गाने को प्रमोट करेंगे। अरे कहते लेटे लड़ जाना था।
इधर 50 रुपये किलो है यार, उर्दू में बात करें ना। 50 रुपये किलो है, यही उर्दू है। ठीक है, और दल तडेर अरजान है, इसका क्या मतलब है? इधर बहुत सस्ता है। ठीक है, तो अभी लेंगे, इंजॉय करेंगे। जमील भाई की तरफ से ट्रीट, इंदवानी का डेडिकेटेड टू महाजना से, तरबूज का ट्रीट डेडिकेटेड टू महाजना से। सारे दोस्तों ने ज्वाइन किया है और अभी जा रहे हैं, बस 15 किलोमीटर ही रहता है। अभी वो तरबूज ले लिए और एक अच्छी सी लोकेशन देख लिए, वहाँ यहाँ पर बैठ जाएंगे और थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट तो होना चाहिए रास्ते में। इस तरह तो नहीं है कि बस जाना है जाना है जाना है। यार मसला हो गया है, एक बाइक में पेट्रोल खत्म हो गया है, हमें पता ही नहीं था। और अभी ये देखो कुर्बानी बस का। और ये होती है कुर्बानी, हमने अपने बाइक से निकाल के दिए उसको। और आगे तक पेट्रोल पंप का कोई नामो निशान ही नहीं नज़र आ रहा है, क्योंकि जंगल है, यहाँ पर पेट्रोल पंप कहाँ मिलेगा? लेकिन फिर भी कर देखते हैं क्या होता है। और इस तरह आपको एहतियात करना चाहिए, जब भी आना चाहिए आप पेट्रोल डाल के आ जाए। ये एक पेट्रोल पंप के वजह से आया था कि वहाँ पे डालेंगे, लेकिन वो बंद था, तो इसलिए अब ये मसला आ गया है। तो एहतियात कीजिए कि पेट्रोल लाजमी डाल लीजिए। बाइक पे आने का एक ड्रॉबैक, बाकी तो बहुत अच्छे लोकेशन आपको मिल जाती है, वीडियो अच्छी तरह कर सकते हो, बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन एक नुकसान ये है कि मोड़ यहाँ पर बहुत ख़तरनाक मोड़ है और हम एक बाइक पर 3 बंदे हैं, तो इसलिए इसमें थोड़ी सी दुश्वारी पेश आ रही है। देखो एक मोड़ में बाइक अटकी थी, तो अब मैं पैदल जा रहा हूँ क्योंकि धक्का लगाया बाइक आगे खड़ी है। फिर जाते हैं अपने डेस्टिनेशन की तरफ। बारा गली कैंपस, शौर यूनिवर्सिटी वाला जो कैंपस है, बल्कि बारा गली क्रॉस कर चुके हैं और अब ऑफिशियली हेड टूवर्ड्स नतिया गली। नतिया गली की तरफ ही अब है। और मौसम के बारे में अगर आपको बता दूं यार, इतनी सुहाना मौसम, इतनी सुहानी हवा लग रही है यार। राशा मौसम ले बने शे बारान वरीगी, बारिश तो नहीं है लेकिन मौसम इतना अच्छा है कि बहुत ही अच्छा है, बहुत चंगा है, बहुत रामी मौसम है। नतिया गली पहुंच गए और अभी आगे जाएंगे डोंगा गली, वहाँ से फिर पाइपलाइन ट्रैक पे जाएंगे सीधा। बस अभी दोस्त पीछे रह गए, पता नहीं है यार हम कभी कौन पीछे रहता है, कभी कौन पीछे रहता है, तो अभी वो आया जाएंगे तो फिर अपनी ट्रैक की तरफ जाएंगे। मेरे प्यार ने सरेआम बदनाम कर दिया मुझे, शराब का गुलाम कर दिया मुझे, न जी रहा हूँ ना मैं मर सका, ऐसा मेरा हशर है बन गया, जो पहले मैं खाना था वो घर है बन गया, के अब तो साकी ने भी जाम का हिसाब ना रखा। दर्द होता है दर्द होने दो, जख्म गहरा है जैसे रहने दो, आके रोती है इन्हें रोने दो, याद आई है मुझे पीने दो। डोंगा गली पहुंच चुके हैं लेकिन प्लेन में थोड़ी सी चेंजेस आ गई है, अभी मशहूरी ताप की तरफ जाएंगे, वहाँ पर कोई स्विमिंग पूल वगैरह है, वहाँ जाएंगे इंशाल्लाह, पाइपलाइन ट्रैक करेंगे वो, वहाँ जाएंगे। तो अब जाते हैं उनके पीछे। यार ये ऊपर जगह पे आ गए यार, बड़ी क्लास जगह है और थोड़ी सी फोटोग्राफी करेंगे, अभी तक एक पिक्चर मैंने नहीं ली है। ये क्लास जगह है, क्लास वाली क्लासिक क्लास। ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त है, यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ फोटोग्राफी हो रही है। जमील भाई थैंक यू फॉर फोटोग्राफी, आपने हमारे पिक्चर क्लिक किए, अभी तक एक पिक्चर नहीं लिया था और हमारे पिक्चर, और इसके अब इनके नखरे स्टार्ट हो गए, इनके पिक्चर मैं लूंगा
तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह डायरेक्ट पाइपलाइन। जो फाइनल डेस्टिनेशन था हमारा पाइपलाइन ट्रैक, वहाँ पे आ गए हैं। अयूबिया जो ट्रैक था वहाँ पे आ गए हैं और अभी एंजॉय कराते हैं आपको यार, क्या मौसम है, क्या ट्रैक है और क्या सीनरीज है। दोस्तों के साथ आए हैं तो मज़ा दुबाला हो जाता है, देखते हैं आगे आगे क्या होता है। अपना रिवायत बरकरार रखते हुए जो हम हर वीडियो में, तकरीबन हर वीडियो में जब से स्टार्ट किए हर वीडियो में टपे होते हैं, तो अब स्टार्ट करते हैं। और हमारा जो सदर साहब है टपो के लिए वो है जमील भाई। सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगा कि आओ बचियावा या सबकवाया, चलो या अफसर शे मोर में था लदर कभी ना। आओ सवाल दे पखम बाबा कबूल शो लारा तखायच जोड़ा दर सरजमा। औचे चरतजे हाल राथवाया, चित झड़कड दर नमा के मख केवड़मा। औ जमा पहा काफर यारा, दबो जर गई किसे दिया औरम खान दमा। औ डकीरा टोल के और पे बलखे, जमूंग दस्तुर दे परड़ा खुलवर कऊना। औ दनी औ दनी मेश पे रातलल देवरा अक्षा, जतर सहर चौकीदा रनास्तव मा। औ दनी मेश पे रातलल देवरक्षा, स्क्वर्व टेमडेश पे ओसीरो तनास्तयमा। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग और अब हम एंजॉय करेंगे। देख सकते हो सीन कुछ ऐसे है, सीन बिल्कुल आउट क्लास है, आउट ऑफ क्लास है। बड़ी फिट जगह है, अगर आप गर्मियों के सीज़न में आना चाहते हो यहाँ पर बच्चे भी आ सकते हैं, बूढ़े भी आ सकते हैं, सब हर कोई आ सकता है। तो उनके साथ आ जाए, एक खुशगवार और एक पुरजोश, यार क्या कहते हैं वो लफ्ज में भूल गया हूँ, खुशगवार और दूसरे के पुरसकून माहौल है। पुरसकून पुरसकून माहौल है यार, डीप रिलैक्सेशन आपको मिलेगी। और ये जगह देख लो यार, यार पीछे से आवाज़ है, आवाज़ सुन लो। तो हर चीज़ बेस्ट है अगर आप यहाँ इस्लामाबाद पेशावर वगैरह सब जगह से आ सकते हो। मैं आपको रास्ता बता दूँ कि नतिया गली, नतिया गली से आगे डोंगा गली, डोंगा गली में दो रास्ते जाते हैं, एक मशपूरी टॉप की तरफ जाती है, दूसरी नीचे बाज़ार से हो क्या होती है डायरेक्ट। यहाँ किसी से भी पूछ लो आपको जगह बता देंगे, एक बड़ी क्लास वाली जगह है। अगर आप यहाँ आना चाहते हो तो आ जाओ, बड़ी फिट जगह है। अपने घर वालों को साथ लेके आओ, फैमिली को साथ लेके आओ, बड़ी पुरसकून जगह है। और दोस्तों के साथ आ जाइए, सोलो ट्रेवलिंग बिल्कुल ना करें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
अब तक के लिए देखने का शुक्रिया, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ट्रिप किस तरह रही, फीडबैक यार कमेंट में, कमेंट नहीं करते हो, कमेंट क्या करो, सब्सक्राइब करो, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। यार व्लॉग के स्टार्ट में मैंने कहा था इस इंसान के साथ मैं जब भी चाहता हूँ बारिश हो जाती है, अभी फिर से बारिश हो गई है और देखो हमारी हालत आप देख सकते हो। एक घंटा बारिश में सफ़र किया लेकिन अभी बर्दाश्त से बाहर हो रहा था, तो अभी बस कहीं छाव में आ गए, छाव यार कहो या जो सहारा ले लिया है बारिश से बचने के लिए। लेकिन इस आदमी के साथ जब भी मैं जाता हूँ, लॉक के स्टार्ट में कहा था बारिश हो जाती है, ये